नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन पर। मैं हूं आपके साथ कनिका। सतना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेराह लूट की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। बाइक सवार बदमाशों ने बैंक जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कट्टे की नोक पर 5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात कृष्ण नगर इलाके में LIC ऑफिस के पास हुई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। इस घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश एक बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि इन्हीं बदमाशों ने ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट की है। फिलहाल अब पुलिस इस CCTV के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत से कौशाम्बी पुलिस सबक नहीं ले रही है। एक और जहां SP प्रदीप गुप्ता के निर्देश पर पुलिस की अवैध शराब बनाने वालों पर हो रही कार्रवाई का खौफ अवैध शराब बनाने वालों पर साफ देखा जा रहा है, जिसके चलते अवैध शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं सिंधिया गांव के तालाब में अवैध शराब बनाने वालों ने शराब बनाने वाला लहन फेंक दिया। जहरीला लहन तालाब में जाते ही तालाब में मौजूद भारी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। मछलियां तालाब में उतराती हुई लोगों को दिखी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस कई लोगों को पकड़ कर ले आई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए उन्हें छोड़ दिया। तालाब में मछली जहरीली जो शराब बनाते हैं, सब महुआ फेंके, केमिकल से दारू बनाते हैं, कबाड़ करते हैं, महुआ फेंका गया इसलिए पानी गंदा हो गया, उसमें जहरीला प्राप्त हो गया, मतलब पानी। कितनी मछली मर गई लगभग? लगभग इसमें 10-15 क्विंटल हमारी मछली मारी गई, लगभग 12-15 मछली। हाँ, पुलिस के पास गए थे क्या? हाँ, पुलिस पास हम लोग गए थे तो इनको लोग को ले गए थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। कल शाम को छोड़ दिया गया है, आधार कार्ड लेके उनको और छोड़ दिया गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 60-80 हजार का नुकसान हुआ है। क्या नाम है? मूलचंद। सरकार भले ही जननी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला दे, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही से अक्सर गरीब की जान चली जाती है। ऐसा ही एक नजारा जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में देखने को मिला, जहां 32 वर्षीय राधा बर्मन को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती किया गया, लेकिन लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। गौरतलब है कि मेडिकल अस्पताल प्रबंधन हमेशा ही अपनी कारगुजारियों के चलते सुर्खियों में रहा है। 3 दिन हो गए भर्ती किए हुए और यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन में बड़ा ऑपरेशन किया, बड़े ऑपरेशन में बच्ची यानी कि निकाली छोटी सी, वो ख़त्म हो गई और से फिर इसके बाद में इनको भी यानी कि भर्ती किया गया। डॉक्टर लोगों ने दवाई की, फिर यानी कि ब्लड मांगा हमने, यानी कि हमने भी दिया और उनकी पत्नी ने भी, यानी कि पति ने भी दिया ब्लड। फिर इसके बाद में भी यानी कि कोई यानी कि ऐसे का नस काट दे क्या कर दिया कि वो भी नहीं बचा। कहाँ से आए आप? अभी यानी कि हम बिजना से आए हैं जी। कहाँ पड़ता ये मगर महा के बाजू से? कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र इनकी होगी 32 साल। क्या हुआ अभी, क्या हो रहा है अभी? यानी कि अभी ये है कि यानी कि कोई सुनाई सी नहीं है और यानी कि स्पष्ट हो गई है। बिजला के रहने वाली राधा बर्मन जो 10 तारीख को 3 बजे एडमिट हुई थी और उनके डॉक्टर ने बोले कि आपका घर का बच्चा मर गया है, तो जो 11 तारीख को 9 बजे उनका ऑपरेशन शुरू किया गया तो हमारा बच्चा मर गया और गलती से डॉक्टर ने तो उसका खून बंद नहीं होता था और लगातार 10-12 दिन उसका खून चढ़ चुका था, एक तरफ से खून चढ़ रहा और एक तरफ से खून गिर रहा। उसके बाद भी डॉक्टर कहते हैं और इसको खून की कमी है, जो आज 13 तारीख को सुबह 8 बजे उसकी मौत जी। क्या बोला डॉक्टर साहब, बताया? डॉक्टर ने बोले ख़त्म हो गई है इसको लेकर। अभी आप लोग बहुत देर से रुके, किस कारण रुके? हम लोग इसलिए रुके हैं कि जो गलत नर्स डॉक्टर ने कहा था, पहले भी केस बिगाड़ चुके हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए। आज गरीब परिवार के लोग हैं तो ऐसा थोड़ी 10 बॉटल खून कहाँ से लेकर के आएंगे, और आगे केस ना बिगड़े इसलिए डॉक्टर को सस्पेंड करें। तो मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही के कारण? डॉक्टर की लापरवाही। ठीक है, कौन आपके किराएदार थे? आपका नाम? अर्चना। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि शौचालय निर्माण का 70 से 80% पैसे का भुगतान लोगों को नहीं किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण किया है उन लोगों ने कर्ज लेकर यह पैसा उठाया था, लेकिन इनका भुगतान ना होने के कारण स्वच्छता अभियान एक जुमला साबित हो रहा है। करेंगे हम और क्या करेंगे, सारे झूठ के पुलंदे, 5 साल जो है कुछ नहीं करके दिया, जो है हरियाणा को जो है आग के अंदर झुलसा दिया, सारा बेरोजगारी का आलम कर दिया, कानून व्यवस्था ठप कर दी, सारा कुछ जो है किसान बर्बाद कर दिया, नौजवान महंगाई इतनी कर दी, मुद्दे क्या मैं कहती हूँ, ये तो ऐसा हाल कर दिया कि आदमी लोग बोलते हैं जी अब हम बोलें क्या, इतने सारी चीजें होगी, ये हालात हो गए। मैं कल वहाँ पे बात कह के आई थी कि जो जायज डिमांड है वो उनकी मैं विधानसभा के अंदर रेज करूंगी, और जो जायज उनकी डिमांड्स हैं वो करनी भी चाहिए सरकार। जी उपचुनाव के दौरान दो बड़े नेता मिले थे, वो एक दूसरे का काटा काट देते, वो तो उनसे ही पूछ लियो भाई, मेरे क्यों पूछो, मन्ने तो मेरा नहीं, हमने तो क्या कहते हैं सारी जगह फूल दिखते हैं, कोई कांटे नहीं। और बीजेपी का गठबंधन सामने आ रही है, बीजेपी के शुरू से कहा है मैंने तो, देखो वो मेरे जो बात कही हुई है वो सामने आ गई, शुरू से बोलती आ रही थी मैं ये बी टीम है, ये सारे के सारे नीचे नीचे, इनको फायदा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कार्रवाई, बाद में ये सारे न्यारे न्यारे होके चाहे एक दूसरे को गाल कर लें कुछ कर लें, बाद में सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सो इसलिए जनता को सतर्क हो जाना चाहिए कि विपक्ष जो है और काम करने वाली पार्टी है वो केवल कांग्रेस है, और जो नीतियां लेकर आती है और जो लोगों के समस्याएं और कितने मुश्किलों को आगे जहन में रखते हो, हर एक 36 बिरादरी की पार्टी, कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है, और अगर ना सपना करवाना है तो फिर ये लोग तो हाजिर है। भविष्य में महिला सीएम की उम्मीद करनी चाहिए भाई, क्या कहते हैं दिया बाती करके सोया कर। धर्मनगरी हरिद्वार में आबकारी विभाग और पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ लक्सर कोतवाली पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। 3 दिनों तक अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी करने के बाद पुलिस ने अब तक कच्ची शराब के साथ 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज रात्रि में 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और 1 से 9 लीटर कच्ची शराब बरामद हुआ और 1 से 25 पीस पौवे देसी शराब बरामद हुए और उनकी धरपकड़ जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।